राजनीतिक हिंसा का जो मामला है ये केरल में, कर्नाटक में और वेस्ट बंगाल में, ये एक काफी पेचीदा मसला है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में विरोधियों की आवाज दबाने के लिए से कोई भी कृत्य कहीं पर भी होता है, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। हमने बहुत भुगता है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को भी प्रकट करने से रोक दिया जाए, कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े, चुनाव में हमारे लोगों को जिस प्रकार से मारा गया है, ये लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता है। केरल में आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, कर्नाटक में हमारे इतने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, तमिलनाडु में हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, आसाम में इसको भुगत रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हमारे लोगों को मारा गया है। सवाल हमारे मारे या किसी और के मारे, मेरा मुद्दा वो नहीं है, लेकिन ये इस प्रकार से राजनीति, हिंसा की राजनीति, भारत के लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य के लिए सभी राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा। ये रास्ता सही नहीं है और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं, उनके परिवारजनों को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी किसी भी हिंसा की प्रवृत्ति को सरकार स्वीकार नहीं करती है, किसी भी दल के साथ हो, किसी भी दल के द्वारा हो, इसको स्वीकार नहीं करती है। हर किसी को न्याय मिले उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम राज्य सरकारों से भी आग्रह कर रहे हैं, राज्य सरकार अपनी जिस प्रकार से ये चीजें कर रही है, लेकिन कभी न कभी ये चीजें उजागर होकर के रहेगी। आज भले कुछ लोगों को रक्षा मिलती हो, लेकिन ये सब उजागर होकर के रहेगी और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। 2019 के चुनाव के लिए आप थिंग्स इन प्लेस कि ऐसी राजनीतिक हिंसा ना हो और इलेक्शंस बिल्कुल ही नॉन वायलेंट तरीके से सवाल हो? चुनाव और नॉन चुनाव सवाल ही नहीं, हिंदुस्तान में हिंसा को कोई स्थान ही नहीं हो सकता है। चुनाव हो तब हिंसा ना हो, बाकी समय हो, ये भी तो नहीं चल सकता ना। चुनाव तो एक तबका होता है, लेकिन हिंसा किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए और राजनीतिक दलों को अपने आप को इस दिशा में ट्रेन करना होगा, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन करना होगा।